दिल्ली में सब वड़ा पाव खा रहे हैं, मोमोज कोई नहीं खा रहा। सबको ना फेक चीजें दिखती है। हमने शुरू से क्वालिटी दी है, टेस्ट दिया है, पर वही है। ऐसा लग रहा है तो लोगों को बिल्कुल जहाँ कबाड़ बिकता है ना वो खाना ज्यादा पसंद है। हमारे पास एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, चीजें दिखावटी नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सबको कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, सबको चलती गंगा में हाथ धोने होते हैं। हमारे कार्ड पे ऐसे आते ना लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, मैंने क्या आप खा लो। ये क्वालिटी ये टेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटीड बोल रही हूँ मैं आपको। पर पता नहीं किस्मत खराब है या क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मन करता है सब चीज छोड़ दूं, पर क्या करें, मजबूरी भी है ना, छोड़ नहीं सकते। राधे राधे जी, कैसे हो? एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कैसे सोचा कि यार मोमोज बनाऊंगी और दिल्ली को दीवाना बना दूंगी। काफी टाइम हो गया था, 2-3 साल हो गए थे तैयारी करते करते, फिर नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हमें कुछ भी करना था, जॉब करनी थी या खुद का कुछ करना था। फिर हमने शुरू कर दिया, ज्यादा नहीं सोचा हमने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास बहुत तरह के मोमोज है, जैसे कि स्टीम है, फ्राई है, कुरकुरे हैं, और ग्रेवी भी है, अफगानी भी है। दिल्ली वाले पागल है मोमोज के चक्कर में। दिल्ली वाले पागल है तो कहाँ है दिल्ली वाले, आने तो चाहिए ना। कार्ट पे आपको दिख रहा है भीड़ है, कस्टमर है नहीं है ना एक भी। नुकसान तो डेली होता है, 6 बजे उठते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सारा सामान उसी तरह प्रिपेयर करते हैं, फिर रात में बच जाती है 30-40 प्लेट डेली बचती है। आधी बांट देते हैं हम सबको, ऐसे खिला देते हैं, फ्री में खिला देते हैं। अभी क्या बनाने जा रहे हैं? कुरकुरे मोमोज दीदी। आज के टाइम में शायद लोगों को मेहनत ईमानदारी कुछ नहीं दिखती। हम किसी को गलत नहीं बोलते, पर लोगों को दिखना चाहिए ना। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 11 बजे शाम को लेटते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, उसमें भी इतनी 6 घंटे तो बनाने में लगते हैं। सारी चॉप करनी पड़ती है, बारीक बारीक चीजें, 4 तरह की तो चटनी होती है हमारे पास, 5 घंटे हम सेल करते हैं खड़े होके। हमारी गलती थोड़ी नहीं है अब इसमें, जैसे आप हो ऐसे सब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई जितने स्ट्रीट फूड लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। तो वड़ा पाव में क्या मेहनत है आप बताओ? पाव लिया वैसे रेडीमेड आता है, पिट्ठी बनाई, पिट्ठी बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा वो नहीं मेहनत करनी पड़ती। मोमोज बनाने में ना 6 घंटे लगते हैं प्रॉपर। हमें वैसा कुछ भी ना बचे, पर हम पनीर हर चीज क्वालिटी की रख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। आप बाहर खाना और हमारे मोमोज खाना, यार ये तो बहुत पतली से ले रहे, फटता नहीं है? फटते हैं बहुत ज्यादा, 20-30 प्लेट ऐसे ही जाते हैं हमारी। काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, बस 1 साल हो गया ना हमने काम शुरू किया, 1 साल हो गया, हिम्मत नहीं हारी। पर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉस में जा चुकी हूँ मैं इस काम में। ये चाट मसाला ओरिगैनो तो कोई नहीं डालता है, ओरिगैनो तो बहुत महंगा आता है। हाँ, 600 रुपए किलो आता है, प्योर तिल वाली है, ये स्पाइसी है। ये हमारी प्लेट बिल्कुल बन के रेडी जो है 90 में, बस फेमस और सबसे टेस्टी मोमोज है हमारे। बाबू सारे एक जगह खा लियो, ठीक है? तो पैसे भी तो लोगे, इनसे कैसे पैसे लेंगे, बालक है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और इनकी दया से सब कुछ मिलता है हमें। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि ये जब इनका मन करता है तब आ जाते हैं खाने। हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे है, 40 रुपए से शुरू है और जो हाईएस्ट है वो 140 है हमारे पास। क्रीम है ये मधुसूदन की यूज करते हैं, बटर अमूल का यूज करते हैं, कोई भी चीज लोकल यूज नहीं करते, इसलिए हमें ज्यादा नहीं बचता, पर फिर भी हम कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पड़ता है उसके जस्ट बराबर में, या फिर नहीं मतलब दृष्टि भी पड़ता है नियर बाय।